वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने रविवार को अपने पहले मानदेय की राशि से ई रिक्शा खरीदकर नेहरू नगर स्थित गुरुद्वारा प्रबंध समिति को समर्पित किया। ये ई रिक्शा शव फ्रीजर को लाने ले जाने के लिए भिलाई दुर्ग क्षेत्र में जरूरतमंदों को निःशुल्क सेवा देगा। समय पिताजी नहीं थे और मेरी माता जी का जो देहांत है, चौथी बार जब मैं तीसरी बार जब मैं पास बना उस माता जी का देहांत हो गया और उस समय जो सैलरी थी, जो पार्षद की जो सैलरी थी वो 2500 रुपए से चालू हुई थी और उस 2500 से करते करते अभी जो वेतन है, मानदेय है, वेतन नहीं कहा जाता है, मानदेय है, वो 15,000 है। तो वो जो है उस समय माता पिता को मैंने पार्षद का अपना वेतन दिया हाथ में, लेकिन अभी जो है मैं विधायक बना और मेरा जो मानदेय है वो 2 लाख रुपये के लगभग आया। आप आपके हाथ में दूं, लेकिन माता पिता इस दुनिया में नहीं है। तो सबसे पवित्र जगह जहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी राशि का अगर सदुपयोग होता है और सही में कोई सेवा भाव ऐसी जगह है इस विश्व में, तो वही गुरुद्वारा है। और गुरुद्वारा में अगर आप सच्चे मन से कोई भी चीज़ देते हो तो निश्चित रूप से ईश्वर भी आपकी बातों से आपको आशीर्वाद देता है। तो मैंने तय किया, मेरे 4 महीने का वेतन आया है। पहला जो है मैं गुरुद्वारे में, नेहरू नगर के पवित्र गुरुद्वारे में, मैंने यहाँ पे जैसे समिति वालों की मांग थी कि हमें ई रिक्शा बॉडी फ्रीजर को, कई लोग रात विकाल को कहते हैं कि बॉडी फ्रीजर चाहिए, अचानक कोई गाड़ी नहीं मिलती है और गाड़ी का किराया भी बहुत रहता है क्योंकि जल जो है महंगा हो गया है। तो ई रिक्शा की डिमांड थी, तो मैंने तत्काल जो है समिति से बात करके 2 लाख रुपए का मैंने ये ई रिक्शा लिया और आज मैंने गुरुद्वारा समिति को इसको मैंने हैंड ओवर किया है। और बाकी जो मेरे 3 महीने का वेतन हुआ है बाबा धाम में मंदिर में जो है झारखंड में है, वो मेरा विधानसभा नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है कि सेवा भाव विधानसभा में करे तो अपनी स्वार्थ होगा। अगर आप सही मायने में अगर सच्ची श्रद्धा अगर भगवान के प्रति आपकी है, ईश्वर के प्रति है, बाबा के प्रति है, आप कहीं पे भी आप जो है उसको दे सकते हैं। तो मैंने झारखंड के बाबा धाम में जो है 6 लाख रुपए मैंने दिया है और उसके बाद अब जो वेतन आएगा वो मेरे परिवार के लिए रहेगा, जो कई खर्चे रहते हैं घर के।